हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल राधा जोशी ब्लॉग पे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली घर पर और ब्रेकफास्ट बन चुका है। ब्रेकफास्ट में क्या बना है, ब्रेकफास्ट में दिखा देती हूँ आपको क्या बना है। और लंच भी बन चुका है हमारा, उसमें बने हैं वाइट छोले और उसके साथ साथ में तान्या का एक ऑर्डर आया है तो उसको करने वाले हम अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं अनबॉक्सिंग करके इसके अंदर से क्या निकलता है, और बने रहिएगा हमारी पूरी वीडियो में हमारे साथ एंड तक। और आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल पर बनाए रखिए। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो दिखा देती हूँ हमने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया और लंच में क्या बनाया, ठीक है। तो गाइस, ये हैं तान्या के पास जो पड़े थे फ्लावर्स और बहुत सुंदर लग रहे थे, तो सोचा इनको भी वीडियो में ऐड कर लूँ, क्योंकि फ्लावर तो मुरझा आ जाएंगे बट वीडियो हमेशा 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 रहेगी। तो तान्या को याद रहेंगे कि इस फ्लावर की मम्मी ने वीडियो बनाई थी। और साथ में कैलेंडर, जनवरी आ चुकी है और अब दिखाती हूँ हमारा ब्रेकफास्ट। तो गाइस, ब्रेकफास्ट में हमने बनाए हैं गोभी के पराठे और ठंडे हो चुके हैं। ताने नहाने चली गई थी तो ये है गोभी के पराठे। गोभी बाहर निकली हुई है ताकि आपको पता चले ये गोभी के पराठे हैं। तो इस वजह से हमने इनको तोड़ दिया, फोड़ दिया ताकि आप इन्हें देख पाएँ। ये है गोभी के पराठे और तान्या खाएगी अचार के साथ, और इसके साथ साथ एक चीज और खाएगी तान्या, वो भी दिखा देती हूँ आपको। क्या करूँ? तो गाइस, ये तान्या खोल रही है, तान्या कर रहा है भयत भयानक वाला गुस्सा। यहाँ पे कीड़ा चला था, ऐसे करके फेंक दिया। तो गाइस, ये है हमारा गजरेला, ऐसे ऐसे बॉक्स। ये नहाने चली गई थी अपना पराठा ठंडा करके, ठंडा पराठा ही खाती हूँ और ठंडा गजरेला भी खा लेंगे। हाँ, ये ऐसे करके खाएगी। और ये मैंने आपको बता दी थी कि ये इसने कुछ मंगाया है। क्या मंगाया है, जल्दी खोल पिटारा। पहले मुझे वो क्या ढूंढ लेता जो तुम देख। अरे उसको नंगी आंखों से देख नहीं सकती तू। गाइस, ये मैंने मंगाया है क्योंकि ये बुक्स चुक सकने के लिए वाव से पूछी। तो इसे लगाएगी तानिया इधर ताकि अपनी बुक्स रख पाए, बिकॉज बुक्स इज लेजी लेजी लाइक मी। वेरी वेरी प्रिटी। ओहो ओहो, इसमें मैं बैठा के तीज पे झूला। गाइस, ये मेरे लिए तीज का झूला आया है और यहाँ पे इसमें मैं बैठ जाऊंगी, फिट आ जाऊंगी एकदम से, है ना तन। तो इसमें मैं झूलूंगी, इधर से ये हैंगिंग हो जाएगा इस तरीके से, ये हैंग होगा और ये हैंग होने का। तनु लगा के दिखा। अरे मुझे वो तो कर दो। तो कील से तुझे ड्रिल से लगवानी पड़ेगी। ऐसे लगवाऊंगी, ऐसे लगेगा ये? कैसे लगेगा ऐसे? तो गाइस, इस तरीके ऐसे? से झूला लगेगा ये तान्या का ऐसे। हाँ, ऐसे आ पाएगा, मैं ऐसे सोच रही थी। ऐसे नहीं लगेगा, फिर बुक गिर जाएंगी पीछे से कॉर्नर से। फिर ऐसे ही लगेगा। हाँ, तो ये लगेगा झूला ऐसे, तो अजीब लगेगा ऐसे, ठीक है। हाँ, ये इधर ही लगेगा, है ना। तो गाइस, ये राजू भैया को बुलाना पड़ेगा हमें, राजू भैया प्लीज कम बुला दो, कील ठोक जाए। मैं नहीं बुलाऊंगी, मेरे को उनको पैसे देने, वो पैसे मांगने लग जाएंगी। हाँ, ये सही रहेगा, तू बेड को कचोबर बना दे मेरी तरफ। और ये तान्या ने एक बार ना वो लिया था अच्छे सपनों के लिए, क्या बोलते थे ना, विल्ड ड्रीम कैचर। हाँ, ड्रीम कैचर। एक कोई ड्रीम कैच ही नहीं हुए अभी तक, कोई ड्रीम ना आया उसके बाद, ये ड्रीम कैचर सड़ चुका है। और ये है तान्या का रूम। तान्या कैसा लगा, कैसा आया सामान? क्या सामान अभी लगेगा तो पता चलेगा यार मम्मी। अच्छा, चलो राजू भाई को कॉल कर दो। ठीक है, बाय। तो गाइस, ये हमारे छोले बनके तैयार हो चुके हैं और चावल भीग चुके हैं, अब इनको बन लगाएंगे हम तड़का। छोले और चावल हैं आज दोपहर के लंच में, जिस चीज को खाने आ जाइए खा लीजिए, गर्मा गर्म यम्मी यम्मी छोले और चावल। तो ढक देते हैं अभी इसको और इसको बनाते हैं फटाफट से। अब मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे अपनी स्कूटी को वॉश कराने के लिए, और यहाँ पे स्कूटी वेट कर रही है नाई नाई का, बिकॉज इसका भी सर्दी लगती है। तो मैं इसको कम मिलाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो आज इसका भी मुहूर्त निकला है इसको भी निलाने का। तो बस अब इसको भी निलाना है और निला दुला के फिर चलते हैं अपने क्लास में। तो क्लास ओवर करने के बाद फिर हम मिलेंगे घर, और जाना है हमको कहीं, वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो बनी रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, प्यार आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।